Today I am going to revise chapter Russian Revolution. You have done Nazism in history, Nazism in Germany, and today Russian Revolution. In this chapter, you have read about three revolts that occurred in Russia. First, in 1905 ka revolt, then 1917 Feb revolt, then 1917 October revolt. टू रिवोल्ट जो है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो हुए जार निकोलस टू के पीरियड में. जार निकोलस टू जो था वो आप कह सकते हो डेस्पोटिक रूलर ऑफ रशिया. तो उसकी जो वाइफ जरीना, उसके लिए आप कह सकते हो नॉट गुड पार्टनर. तो अगर आपको इस चैप्टर में टू रिवोल्ट जार के पीरियड में हुए, थर्ड रिवोल्ट में जार नहीं था. वो तो क्लैशेस हुए थे बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स. तो तब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ चुकी थी, क्रेंस्की के अंडर जो बनी. तो लेट्स बिगिन विद रिवोल्ट ऑफ 1905. ऐसे क्या हालात बने कि रशिया में 1905 में रिवोल्ट हुआ? मींस कॉजेस. तो इट मींस कि जो जार था वो अनपॉपुलर होएगा, लोग उसे लाइक नहीं करते होंगे, तभी रिवोल्ट हुआ ना. तो आप एक तो पहले बताओगे ऑटोक्रेटिक रूल, कि जार का जो रूल था पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने रशिया को बैकवर्ड कंट्री रखा था, वो डेवलपमेंट की फेवर में नहीं था. अंडर जार इट वाज रशिया वाज अ बैकवर्ड कंट्री. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में आया, इस बार फर्स्ट टर्म में 10th का ये क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस कंट्री में आया. तो बच्चे 9 से पढ़ते जाते हैं फिर भी नहीं लिखते आंसर. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट केम इन इंग्लैंड, एंड लेटर सबसे बाद कहाँ पे आया? रशिया, क्योंकि जार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फेवर में नहीं था. तो एक तो ये कि रशिया बैकवर्ड कंट्री थी, एंड सरीना वो एक मॉन्क के अंडर थी. रासपुतिन एक मॉन्क था, आपको इसका नाम याद रखना, ही वाज मॉन्क. और जरीना वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉन्क रासपुतिन, और ये हमेशा जरीना को मिसगाइड करता होता था, ऑलवेज मिसगाइडेड. एंड जरीना आगे जार को वो फोर्स करती थी जो भी ये रासपुतिन कहता था. तो लोग जो थे दे वर नॉट हैप्पी विद दिस रूल. वैसे भी फिर आप बताओगे कमिंग ऑफ सोशलिज्म या स्प्रेडिंग ऑफ सोशलिज्म, तो यूरोप की कंट्रीज में सोशलिज्म आ चुका था, स्प्रेड हो रहा था. तो वहां से ये स्प्रेड होके रशिया में भी आया. यूरोपियन कंट्रीज नो डाउट अभी सोशलिस्ट नहीं बनी थी, बट स्प्रेड हो रहा था सोशलिज्म, तो वहां से रशिया में भी आया. तो रशिया में, रशिया एक ऐसी कंट्री थी जो कि सबसे पहले सोशलिस्ट बनी. रशिया में लैंड जो थी वो प्रॉपर्टी बन गई स्टेट गवर्नमेंट की, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी की फेवर में नहीं थे. तो लोग चाहते थे कि लैंड शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रिच पीजेंट्स की जो लैंड है वो पुअर में बांटी जाए. तो रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनी बिकॉज सोशलिज्म केम टू रशिया. तो रशिया में सोशलिज्म आ रहा था, तो लोग कहीं ना कहीं रशिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द, आप कह सकते हो रिच पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे रशिया में जगह जगह. वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो सोशलिज्म भी मेन रीजन था कि रशिया में ये वाला रिवोल्ट हुआ. थर्ड रीजन, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स. रशिया में जो रिवोल्ट है दैट वाज डन बाय वर्कर्स, मेनली बाय वर्कर्स. तो वर्कर्स जो थे उनकी लिविंग वर्किंग कंडीशन दोनों ही पुअर थी. उन्हें डॉर्मिटोरीज में रहना होता था, उनको इतना ज्यादा प्रॉपर राइट्स भी नहीं मिले हुए थे. 12 आवर्स उन्हें वर्क करना पड़ता था. तो दैट्स व्हाई वर्कर्स प्रोटेस्टेड. प्रॉफिट उनके साथ शेयर नहीं होते थे, जो कि लेनिन कहता होता था प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अमंग वर्कर्स आल्सो. तो वर्कर्स को कोई प्रॉफिट भी नहीं शेयर करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट. तो कहीं ना कहीं वर्कर्स ने प्रोटेस्ट की. थ्री रीजन आ गए, ऑटोक्रेटिक रूल, कमिंग स्प्रेडिंग ऑफ सोशलिज्म, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स. अब रशिया और जापान की लड़ाई हुई दोनों में, जिसे हम कहते हैं रूसो जापानीज वार. आपको ये याद रखनी है, रूसो जापानीज वार किस किस में हुई?
रशिया एंड जापान इन दिस वार. अब जापान एक छोटी सी कंट्री, रशिया एक बड़ी कंट्री. इन दिस वार रशिया गॉट डिफीटेड फ्रॉम स्मॉल कंट्री जापान. रीजन बिहाइंड दैट वाज नो मॉडर्न वेपन्स. रशिया के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे. तो रशिया वैसे भी बैकवर्ड कंट्री थी, उसके पास आर्मी नहीं थी, सोल्जर्स नहीं थे. तो दैट वाज द मेन रीजन कि रशिया गॉट डिफीटेड इन दिस वार एज रशिया हैड नो मॉडर्न वेपन्स. रशिया गॉट डिफीटेड फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री सच एज जापान एंड दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय पीपल ऑफ रशिया. दे हेल्ड ज़ार रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट. उनको लगा ज़ार ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने रशिया को बैकवर्ड रखा है, वेपन्स तो है ही नहीं, तो ज़ार इन लोगों ने ज़ार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया. तो ये सारे रीजंस जो है ना इस रिवोल्ट का कारण बनते चले गए. अब नेक्स्ट आप लिखोगे इमीडिएट कॉज. इसमें आप बताओगे ब्लडी संडे, या फिर आप ऐसे लिख दोगे इमीडिएट कॉज. इसमें आप बताओगे पीसफुल प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स वाज गोइंग टुवर्ड्स विंटर पैलेस. पीसफुल प्रोसेशन या वर्कर्स वर गोइंग टुवर्ड्स विंटर पैलेस इन द फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोसेशन अंडर फादर गिपवन टू टेल देयर प्रॉब्लम्स टू ज़ार. किसके अंडर जा रहे थे? अंडर फादर गिपवन टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद ज़ार. पीसफुल प्रोसेशन की फॉर्म में जा रहे थे. ज़ार के पैलेस का नाम क्या है? विंटर पैलेस. किसके अंडर जा रहे थे? अंडर फादर गिपवन टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद ज़ार. अब ज़ार ने मिस्टेक की. ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू फायर ऑन वर्कर्स. उसको लगा पता नहीं क्यों विंटर पैलेस की तरफ इतना क्राउड आ रहा है, तो उसको लगा कि कहीं विंटर पैलेस पे ही आगे अटैक ना कर दे, तो उसने उन्हीं पे अटैक करवा दिया. ऑन द वे आर्मी ने अटैक किया. 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ, 300 गॉट इंजर्ड. सो दिस इंसिडेंट इन रशियन हिस्ट्री केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे. अब यही इंसिडेंट को क्या नाम मिला? ब्लडी संडे. तो दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1905. ये 5 कॉजेज आपको आने चाहिए. अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, यू शुड राइट 5 पॉइंट्स. फर्स्ट इज पुअर. आप खुद किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया. सेकेंड, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स. थर्ड, रूसो जापानीज वार. फोर्थ, कमिंग ऑफ सोशलिज्म. एंड फिफ्थ, इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज को रशियन हिस्ट्री में क्या कहते हैं? ब्लडी संडे. क्योंकि उस दिन संडे था, संडे के दिन लोग जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? विंटर पैलेस की तरफ. तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता क्रैम करने वाली बात, एक स्टोरी है जिसे कि आपने लिख देना. इसमें ना तो देखो कोई ईयर है, कोई ईयर नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसे टफ नेम है. एक फादर गिपल लर्न करना है, एक विंटर पैलेस लर्न करना है, पैलेस का नेम लर्न करना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें. तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आप बिना पढ़े लिख सकते हो. वैसे भी एक बार पेपर दे चुके हो इस लेसन में से, ठीक है. अब नेक्स्ट इम्पैक्ट्स. रिवोल्ट हुआ तो इम्पैक्ट भी हो जाएंगे. तब इसका असर क्या पड़ा? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ब्लडी संडे, तो रशिया में उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा. आपने बताना है पूरे रशिया में स्ट्राइक्स हुई. देयर वर स्ट्राइक्स इन होल रशिया. जो जो स्ट्राइक्स में होता है वो अपने आप फ्रेम कर लो लाइन्स. स्कूल कॉलेजेस बंद, इंडस्ट्रीज शट डाउन, जो 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 आपने लिखना है. पीपल प्रोटेस्ट, वहाँ पे वायलेंस हो रही थी जगह जगह, लोग वायलेंट हो रहे थे. तो लोगों की डिमांड थी, पीपल डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ डूमा. लोग कहते थे कि डूमा क्रिएट करो. अब डूमा क्या थी? रशियन पार्लियामेंट. People wanted to create Duma. अब ज़ार को लगा कि हर जगह वायलेंस हो रही है, तो he had to create Duma. उसने Duma create की. But with the coming of Duma, क्योंकि पार्लियामेंट आ गई, तो उसकी पावर्स जो थी ना कहीं कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो चुकी थी. ज़ार didn't want the reduction of his power. वो नहीं चाहता था. That's why after जब पूरी हर जगह पीस मेंटेन हो गई, After 75 days, he suspended Duma. उसने चलाकी की. 75 days के बाद जाके उसने Duma suspend कर दी, क्योंकि वो अपनी powers कम करना नहीं चाहता था. उसकी powers limited हो गई थी with the coming of Duma. वो parliament के अंदर आ गया था. So he didn't want the reduction of his power. That's why
he suspended Duma after 75 days. अब डूमा सस्पेंड होगी, लोग फिर भड़के, तो जो डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई, तो ये रिवोल्ट एक ड्रेस रिहर्सल बन के रह गया फॉर अदर टू रिवोल्ट्स. दिस रिवोल्ट बिकेम द ड्रेस रिहर्सल फॉर अदर टू रिवोल्ट्स. अब इम्पैक्ट बहुत इजी है, इम्पैक्ट में भी आपको कुछ नहीं लर्न करना, सिर्फ एक डूमा वर्ड आना चाहिए बस. इम्पैक्ट में जो जो आप कहते हो कि स्ट्राइक में होता, आप वही पॉइंट लिखोगे. फिर आप कहोगे लोगों की डिमांड तब क्या थी, क्रिएशन ऑफ धुमा. तो जार को क्रिएट करनी पड़ी, हालात देख के उसे करनी पड़ी, क्योंकि उसे पीस मेंटेन करनी थी. उसने क्रिएट तो कर दी, बट मनी मन में वो सोच रहा था जैसे ही पीस मेंटेन हो जाएगी वो इसे सस्पेंड कर देगा. उसने ऐसे ही किया, जैसे ही पीस मेंटेन हो गई ही सस्पेंडेड धुमा. तो 75 डेज के बाद धुमा वॉज सस्पेंडेड एंड दिस रिवोल्ट became the dress rehearsal for other two revolts. तो ये तो हुआ रशिया में 1905 में. अब after this revolt, ज़ार को लगा कि अब जितनी भी वहां पे parties है ना सबको बैन कर दो. उसने सारी political parties जो भी रशिया में थी ना सब बैन कर दी, ताकि कोई भी उसके अगेंस्ट आवाज ना उठा सके. तो उसने सब पे बैन लगाए, सिर्फ खुद के हाथ में सारी पावर्स रखी, और वो हर बात के लिए रिच को कंसल्ट करता था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. तो अब आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई ना अलाइड एंड एक्सिस पावर, सेंट्रल पावर्स ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स. अब अलाइड पावर्स आपको आनी चाहिए, ये टेंथ तक का क्वेश्चन है, मैं अभी भी टेंथ में पढ़ाती हूँ. अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स सबको पता होनी चाहिए, ये जर्मनी में भी आपने पढ़ी है. अलाइड पावर्स में आप बताओगे यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए. यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए. एंड सेंट्रल पावर में जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर, टर्की, हंगरी. जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर, टर्की एंड हंगरी. तो इस वजह से अगर आप याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. तो हम तो पहले ही हम पढ़ा हमने तो रशिया के पास वेपन ही नहीं थे, मॉडर्न वेपन ही नहीं थे, ना ही आर्मी थी. तो अभी भी नहीं थी, 1914 में भी नहीं थी. बट रास्पुतिन जो था ना उसने कहीं ना कहीं ज़रीना को मिसगाइड किया. ही मिसगाइडेड ज़रीना दैट इफ ज़ार पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बिकेम पावरफुल टिल इंटरनेशनल लेवल. वो इंटरनेशनल लेवल तक पावरफुल हो जाए, तो ऐसी वाली बात उसने ज़रीना को बताई. ज़रीना फोर्स ज़ार टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर. तो ज़ार ने पार्टिसिपेट किया. अब पार्टिसिपेट किया तो उसके पास क्या नहीं थी, ना तो आर्मी सोल्जर्स थे ना ही वेपन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. पेपर में पूछते थे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब बताओ. फोर्स्ड पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी. तो इंडिया में ब्रिटिश ने भी फॉलो किया था फोर्स रिक्रूटमेंट. उन्होंने इंडियंस को फोर्स किया था कि ज्वाइन आर्मी, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. तो ये तो अपनी कंट्री में ही बैठा था ज़ार, तो इसने अपने ही लोगों को फोर्स किया, पीजेंट्स एंड वर्कर्स को, कि ज्वाइन करो आर्मी. इसने फोर्स रिक्रूटमेंट फॉलो की, पीजेंट्स एंड वर्कर्स को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया और फिर उन्हें लड़ने भेजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वो लोगों को तो आती नहीं थी वार लड़ने, उन्हें कौन सा ट्रेनिंग मिली थी. Many people lost their life, huge property destroyed. क्योंकि रशिया तो इसमें पार्टी था, इंडिया तो पार्टी थी नहीं. इंडिया के तो अगर सोल्जर्स गए हैं तो वो बाहर इन कंट्रीज में लड़ने गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. इंडिया हैड नो एनमिटी इन दिस विद एनी कंट्री इन दिस वॉर. इंडिया की तो लड़ाई थी नहीं किसी के साथ. तो इंडिया में इसीलिए हम कहते हैं प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, वो तो ब्रिटिश क्रूअल हुए थे इंडिया में. रशिया तो पार्टी था इस वॉर में. तो ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, मैनी पीपल बिकेम रिफ्यूजीज इन रशिया ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मैनी पीपल लॉस योर लाइफ. तो सारी डिस्ट्रक्शन वहां पे हुई एंड और साथ में और भी प्रॉब्लम्स आई. देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन रशिया बिकॉज पीजेंट्स वेंट टू फाइट वॉर. इंडस्ट्रीज इन रशिया शट डाउन बिकॉज वर्कर्स ऑल्सो वेंट टू फाइट वॉर. वर्कर्स वॉर लड़ने गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई. पीजेंट्स वार लड़ने गए, क्रोप्स नहीं ग्रो हुई. अगर थोड़ी बहुत ग्रो क्रोप्स ग्रो भी होती थी
फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज गिवन टू रशियन आर्मी. वो कहता था लोग भूखे मरते हैं मर जाएं, ड्यू टू स्टारवेशन लोग मरते मर जाएं, बट आर्मी को फूड सप्लाई देनी है ताकि आर्मी ना क्विट कर दे वहां पे. तो आर्मी को फूड सप्लाई भेजते थे, लोगों को बॉदर नहीं किया उसने. तो रशिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई, मैनी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के कारण भी लोग मरे. तो इंडस्ट्री शट डाउन बिकॉज वर्कर्स ही नहीं थे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए. वर्कर्स किधर गए थे? वार लड़ने. और अगर फॉरनर्स जो थे वो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज रशिया में सेटअप कर रहे थे, दे ऑल्सो स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग मनी इन रशिया बिकॉज देयर वॉज नो डेवलपमेंट इन रशिया. रशिया में तो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, तो बंद वाली जगह पे कौन जाके नई इंडस्ट्री लगाएगा? तो इसलिए फॉरनर्स ने भी पैसा लगाना बंद कर दिया इन रशिया. तो ये सारी बातों के लिए कौन अनपॉपुलर हुआ? ज़ार. क्योंकि ये सब कुछ उसके कारण हुआ, उसको पार्ट लेना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. बट फिर भी उसने, रास्पुतिन ने ज़रीना को कहा, ज़रीना ने ज़ार को गाइड मिसगाइड किया, तो उसने पार्ट ले लिया. उसने अपने आप से नहीं सोचा कि उसके पास वेपन्स नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं से लॉस होएगा. फिर भी उसने पार्टिसिपेट किया. ये तो बाद में लेनिन आया जिसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर किया. 1917 में रशिया ने पूरी वार नहीं लड़ी, रशिया केम आउट ऑफ द वार इन 1917. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला आपको सेपरेट पूछ सकते हैं, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ ज़ार. आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अब बताना है कि ज़ार क्यों अनपॉपुलर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों में, ऐसा उसने क्या कर दिया कि ही बिकेम अनपॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ रशिया. अब यहाँ पे आपका आ जाता है 1917 फेबरी वोल्ड के, सिर्फ कॉजेज बताऊंगी अभी 1917 फेबरी वोल्ड के कॉजेज. तो सेम एज 1905 वाले रिवोल्ट के, फर्स्ट पॉइंट सेम ऑटोक्रेटिक रूल क्योंकि अभी भी जा रहा है, सेकंड पॉइंट सेम कमिंग ऑफ सोशलिज्म अभी भी आ रहा है सोशलिज्म क्योंकि अभी रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनी नहीं है, स्प्रेड हो रहा है सोशलिज्म. थर्ड पॉइंट पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, सेम अभी भी वर्कर्स की कंडीशन पुअर है. फोर्थ पॉइंट ये ऐड नहीं करना क्योंकि ये तो पुरानी होगी अब बात, इसकी जगह आ जाना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. रूसो जापानीज वार नहीं लिखना, अब आप लिखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अभी मैंने डिटेल में बोली है, थोड़ी आप शॉर्ट कर लोगे क्योंकि आप छोटे छोटे क्वाजेस बता रहे हो, तो आप उसमें से मेन मेन पॉइंट्स बता देना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल थी ज़ार की अनपॉपुलैरिटी के लिए, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना, दो तीन पॉइंट्स लिख देना. लास्ट इमीजिएट कॉज. अब इमीजिएट कॉज क्या था 1917 फेबरी वर्ल्ड का? आपको याद होगा वर्कर को फैक्ट्री से निकाल दिया था, एंड देयर वर स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज इन रशिया इन द फेवर ऑफ दैट वर्कर. तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए. वर्कर्स जो थे ना वो अपने, उनको उनके स्लम एरियाज थे, स्लम एरियाज में रहते थे, अपने स्लम एरियाज में से रिवर नेवा को क्रॉस करके पोर्श एरियाज की तरफ आ गए जहां पे रशियन ऑफिशियल्स रहते थे. उनके उन्होंने घरों पे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे वर्कर्स ने अटैक किए. वर्कर्स ने रिवर नेवा क्रॉस की, केम आउट ऑफ देयर एरियाज एंड केम टूवर्ड्स पोर्श एरियाज वेयर रशियन ऑफिशियल्स लिव्ड. दे अटैक्ड देयर हाउसेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स ऑफ रशिया. अब ज़ार ने फिर सोल्जर्स भेजे, ही सेंट आर्मी. उसने कहा इन पे जाके फायरिंग करो, बट दिस टाइम सोल्जर्स जो थे ना, दे जॉइंट देयर हैंड्स विद सम ऑफ द सोल्जर्स, विद सम, सबने नहीं, सम ऑफ द सोल्जर्स जॉइंट देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स. अब उन्होंने, कुछ सोल्जर्स ने ना स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ अपने हैंड ज्वाइन कर लिए. अब ये जो लोग थे स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स जिन्होंने इनके साथ हैंड ज्वाइन किए थे, वेंट टू पेट्रोग्राड सोवियत. और नेक्स्ट डे वेंट टू पेट्रोग्राड सोवियत वेयर डूमा मेट. पेट्रोग्राड सोवियत चले गए वेयर डूमा मेट टू सी द ज़ार, ज़ार को मिलने. नेक्स्ट डे डेलीगेट्स ऑफ द वर्कर्स एंड सोल्जर्स हु जॉइंड हैंड्स विद देम वेंट टू पेट्रोग्राड सोवियत वेयर डूमा मेट टू सी ज़ार, ज़ार को मिलने. देयर दे एडवाइज्ड ज़ार टू गिव अप हिज थ्रोन. अब ज़ार को थ्रोन छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे इन लोगों ने एडवाइस किया कि कोई रास्ता नहीं है,
पूरी रशिया में स्ट्राइक हो रहे हैं, पूरी रशिया में वायलेंस हो रही है, तो आप अपना थ्रोन छोड़ दो। तो ज़ार एग्रीड, ही गेव अप हिज थ्रोन, उसने अपना थ्रोन जो था ना वो छोड़ दिया। विद दिस मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया केम टू एन एंड। अब वहां पे बन गई फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज़ार ने अपना थ्रोन छोड़ा तो क्या बनी? अब अगर आपको 1917 फेब के कॉजेज आते हैं तो आपके चार तीन पॉइंट सेम रहेंगे। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1905, कौन से वाले? ऑटोक्रेटिक रूल, कमिंग ऑफ सोशलिज्म, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, इसकी जगह आ जानी है फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट कॉज वही वर्कर को जो उन्होंने डिसमिस किया था, तो 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो सारा। अब ज़ार गिव अप हिज थ्रोन, ज़ार का थ्रोन, उसने ज़ार ने अपना थ्रोन छोड़ दिया। फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज सेट अप इन रशिया, किसके अंडर बनी? करेंजकी, इट वॉज सेट अप अंडर करेंजकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होता है व्हाई करेंजकीज गवर्नमेंट फेल। ये भी जैसे हम कहते हैं वेमर रिपब्लिक इन इट्स बिगनिंग बी केम अनपॉपुलर, हिटलर में आपने पढ़ा कि अभी वेमर रिपब्लिक आई थी तो आते ही अनपॉपुलर होगी, सेम एज करेंजकी, अभी तो ये आया ही है, आते ही अनपॉपुलर हो गया, ऐसा इसने क्या कर दिया? तो आपने बताना है कि करेंजकी जो था ना, इसने सबसे पहले तो एक बड़ी मिस्टेक जो की, लोगों की तबके लोगों की डिमांड थी टू केम आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। करेंजकी डिड नथिंग फॉर दिस, ही डिडंट टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट। लोग चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से बाहर होना, करेंजकी ने बॉदर नहीं किया, उसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर नहीं किया। एक तो आप ये बताओ रशिया में नॉन रशियंस भी थे, बुद्धिस्ट, जदिदीस, तो करेंजकी ने इन लोगों को राइट्स नहीं दिए, ही डिडंट गिव राइट्स टू नॉन रशियंस। तो नॉन रशियंस के लिए रशिया जो था ना, दैट बिकेम द प्रिजन ऑफ नेशन, बिकॉज उन्हें उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, ये सब उन्हें फॉलो करने नहीं देते थे। तो नॉन रशियंस भी जो थे ना, देवर अगेंस्ट करेंजकी। फिर हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बाहर नहीं किया, नॉन रशियंस को राइट्स नहीं दिए, और फिर लेनिन जो था वो पॉपुलर हो रहा था। लेनिन जो था ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट 1917 फरवरी रिवोल्ट एक्साइल टू स्विट्जरलैंड, उसे देश निकाला मिला हुआ था, तो लेनिन स्विट्जरलैंड में था, फेब में स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था उसे। केम टू रशिया इन अप्रैल मंथ, अप्रैल में वो रशिया आया, आते ही उसने अप्रैल थीसिस इंट्रोड्यूस किए, अप्रैल थीसिस, इन दैट ही मेड थ्री प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ रशिया। लेनिन ने थ्री प्रोमिसेस किए विद द पीपल ऑफ रशिया। उसने कहा इफ ही वुड कम इन पावर, ही वुड टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो कितना जिस जो चीज लोग चाहते थे इसने वही प्रोमिस किया, जैसे हिटलर ने लोगों के दिल जीतने के लिए वही काम किए जो लोग चाहते थे, उसने भी यही प्रोमिस किया था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को तोड़ देगा वो, उसकी टर्म्स को तोड़ देगा वो, नहीं फॉलो करेगा। सेम एज लेनिन, लेनिन ने कहा कि वो सबसे पहले रशिया को किस में से बाहर करेगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड उसने कहा कि वो नॉन रशियंस को राइट्स देगा। थर्ड उसने कहा कि वो लैंड जो है ना स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना देगा, बैंक्स को नेशनलाइज कर देगा, ही वुड नेशनलाइज द बैंक्स। तो इस वजह से जो लेनिन था ना, इसके प्रोमिसेस बेटर लगे लोगों को, लोगों को लगा कि अगर लेनिन को हम पावर में लाएंगे तो सच में रशिया में डेवलपमेंट होगी। तो करेंजकी कहीं ना कहीं अनपॉपुलर हो रहा था, लेनिन वाज बिकमिंग पॉपुलर, सो ड्यू टू दिस रीजन करेंजकीज गवर्नमेंट बिकेम अनपॉपुलर। अभी फेल नहीं हुआ वो, फेल तो तब होगा ना जब लड़ाई करेगा, तो अभी तो वो अनपॉपुलर हुआ है। जैसे हिटलर पॉपुलर हुआ था बट पावर में नहीं आया था, पावर में तब आया था जब उसने क्या पास किया था? टेल मी, वेरी गुड, इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट पास करके तब पावर में आया। लोगों का दिल जीत के वो पावर में नहीं आया, लोगों का दिल जीत के वो पॉपुलर हुआ है। पावर में तो तब आया ना जब उसने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में अपना नाम बनाया, जब उसने इलेक्शंस जीते और इनेबलिंग एक्ट पास किया तब जाके। अभी हमारे यहाँ पे देख लो पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पॉपुलर है, जब तक वो पावर में नहीं आती वो पॉपुलर तो सारी है। देखो कौन पावर में आता है, किसकी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी गवर्नमेंट बनेगी वो फिर पावरफुल हो जाएगी, पॉपुलर तो सारे होते हैं। तो ऐसे ही
हम कहेंगे कि पॉपुलर हुआ है अभी वो, क्रेंस्की अनपॉपुलर हुआ है, लेनिन पॉपुलर हुआ है, क्रेंस्की अनपॉपुलर हुआ है, बट वो अभी फेल नहीं है, अभी तो झगड़ा होना है। अभी आज आप इतने तक ही करो, वाई क्रेंस्की गवर्नमेंट फेल, आज आपने किया 1905 के रिवोल्ट कॉजेस, इनकी एक बार रीडिंग कर लेना। फिर आपने किया हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपॉपुलरिटी ऑफ सार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सार की अनपॉपुलरिटी का रीजन कैसे बनी, यू नो द पॉइंट्स, आप लिख लोगे। फिर आपने 1917 फेब के रिवोल्ट के कॉजेस, उसमें आपने तीन पॉइंट तो कॉमन रखे। फिर आपने रूसो जापानीज वार की जगह आपने लिया फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार लिया। फिर आपने इमीडिएट कॉज लिया, इमीडिएट कॉज लिया आपने एक फैक्ट्री में से जो वर्कर को निकाल दिया जाता है वो आपने लिया इमीडिएट कॉज, ठीक है। 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक होती है, दिस इज द इमीडिएट कॉज। फिर आपका आ जाता है कॉजेस के बाद आपका आ जाता है कि कैसे जार जो है उसने अपना थ्रोन छोड़ दिया, और उसके थ्रोन छोड़ने के बाद रशिया में कैसी गवर्नमेंट आई, प्रोविंशियल, किसके अंडर आई, क्रेंस्की, क्रेंस्की की गवर्नमेंट, आते ही फेल हो गई। ऐसा क्या किया उसने, उसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर, जो जो लोगों की डिमांड थी उसने पूरी नहीं की, उसने नॉन रशियंस के साथ भी कुछ, उनके लिए भी कुछ नहीं किया, उनके लिए तो प्रिजन ऑफ नेशन बना दिया रशिया, उनको राइट्स ही नहीं दिया। फिर उसने ना तो बैंक्स को नेशनलाइज किया, उसने कुछ नहीं किया जो लोग चाहते थे। वैसे भी कौन पॉपुलर होता जा रहा था, लेनिन, क्योंकि लेनिन उन दिनों में कहाँ था, एक्साइल टू स्विट्जरलैंड, कब आया वापस, 1 अप्रैल, आके क्या इशू किया, थीसिस, इतने प्रोमिसेस किए, 3, लोगों को लेनिन के प्रोमिसेस अच्छे लगे, पीपल किसकी किसके फॉलोअर हो गए, किसके अगेंस्ट होते चले गए, तो ड्यू टू दिस रीजन क्रेंस्की गवर्नमेंट फेल्ड। तो अब हम करेंगे कि क्रेंस्की कैसे वहां से, क्रेंस्की की गवर्नमेंट फेलियर हुई। अभी तो हमने कहा कि वो अनपॉपुलर हुआ है, अब बोल्शेविक्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में झगड़े होंगे, तो उससे क्रेंस्की जो है ना वो पूरी तरह से चला जाएगा वहां से, एंड लेनिन आ जाएगा वहां पर। तो ये बन जाना आपका रिवोल्ट ऑफ 1917 अक्टूबर, कहां क्रेंस्की फेब में आ रहा है और कब जा रहा है, अक्टूबर, इतना सा रूल किया उसने, देख लो थोड़ा पीरियड के लिए आया क्योंकि वो अनपॉपुलर हो गया आते ही। तो अगर कोई प्रॉब्लम है जितना आपने किया, यू कैन रेज योर हैंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स